हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टुक टुक एंड मम्मास टाइम। आज हम बात करेंगे डावर जन्म घुटी के बारे में। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि डावर जन्म घुटी आप अपने बेबी को कौन से एज से दे सकते हैं, मतलब कौन से मंथ से दे सकते हैं, ये कितने की मिलती है मार्केट में, इसके क्या बेनिफिट हैं और आप अपनी बेबी को कैसे दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये मैंने छोटा पैकेट ख़रीदा है डावर जन्म घुटी का, जो है 30 ml का और आपको मिलेगा 27 रुपये का। बहुत ही कम प्राइस में मिल जाता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, कोई भी इसे अफोर्ड कर सकता है। अब मैं ये बताऊंगी कि आप अपने बेबी को कौन से मंथ से दे सकते हैं। तो इसमें देखिए लिखा है कि आप अपने बेबी को 1 मंथ से, 1 मंथ का है जब आपका बेबी, तब से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको बैक में पता लिखा दिख जाएगा कि इसमें लिखा है जब आपका बेबी 1 मंथ का है तब से आप देने से स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसको देना कैसे है, देखिए इसमें लिखा है जो 1 से 3 महीने का बच्चा है उसको 20 बूंद ही देना है। ठीक है, और जो 4 से 6 महीने का है उसे देना है आधा छोटा चम्मच। ठीक, और जो 7 महीने से ऊपर का है उसे देना है 1 पूरा छोटा चम्मच। हम लोग ने ये जान लिया कि इसको कैसे देना है, कितनी बार देना है, अब ये जान लेते हैं। इसको दिन में 2 बार देना है, या फिर आपका डॉक्टर जो रिकमेंड करता है कितनी बार देना वैसे भी दे सकते हैं, वरना इसमें जनरली आपको दिन में 2 बार देना है। और कैसे देना है, आपको गुनगुना पानी कर लेना है, बॉयल वाटर कर लेना है और समान मात्रा में मिलाना है। जैसे आप 20 बूंदें ले रहे हैं जन्म घुटी की, तो 20 बूंदें आपको गर्म पानी की ले लेनी चाहिए और दोनों को मिक्स करके अपने बेबी को दे देना है। जैसे कि 3 महीने से ऊपर का बच्चा है तो उसको कैसे देना है, आधा छोटा चम्मच जन्म घुटी और आधा छोटा चम्मच गुनगुना पानी, दोनों को मिक्स करके फिर पिलाना है अपने बेबी को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है, ये बहुत अच्छा रहता है आपकी बेबी की ग्रोथ के लिए, स्पेशली ये आपकी बेबी की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। इससे बेबी को सर्दी खांसी नहीं होती है, सीत नहीं लगती है, और इसमें क्या लिखा है, जैसे कि गैस होती है या फिर कॉन्स्टिपेशन होता है इस समय भी बहुत काम आता है, बेबी के पेट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको ठीक करने में काम आता है। देखिए इसमें लिखा है डाइजेस्टिव टॉनिक। ठीक है, ये इसमें क्या है, पूरा आयुर्वेदिक रहता है, इसमें अंजीर पाया जाता है, तो ये बेबी के लिए बहुत अच्छा रहता है, कोई भी इसमें केमिकल नहीं रहता है, कोई सिंथेटिक मटेरियल कुछ भी चीज़ नहीं रहता है। ठीक, आई होप आप सबको पता चल गया होगा कि जन्म घुटी अपने बेबी को कौन से महीने से देनी है और कितने मात्रा में देनी है और कितने टाइम देनी है। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि जन्म घुटी आप अपने बेबी को कौन से मंथ से स्टार्ट कर सकते हैं और दिन में कितनी बार देनी है और कैसे देनी है। मैंने अपने बेबी को स्टार्टिंग से नहीं दिया था, मैंने ये तब दिया था जब मेरे बेबी को कॉन्स्टिपेशन हुआ था, उसके पेट में जब गैस हो गई थी, उसको पेट जब दर्द कर रहा था तब मैंने दिया था, इसको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला था। तो मैं इसको रेगुलरली नहीं देती हूँ, जब भी इसको प्रॉब्लम होती है, जब भी लगता है कि हाँ इसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तब मैं देती हूँ, नहीं तो ऐसा बोला जाता है कि आप इसे रेगुलरली दीजिए, मगर मैं आपको कहूँगी कि आप इसे डेली ना दीजिए, जब आपके बेबी को अगर प्रॉब्लम होती है डाइजेस्टिव की तभी दीजिए, बाकी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।